नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यूजुअल सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी प्रतिष्ठा जी को, प्रतीक जी को, रमा शंकर जी को। कभी कभी हो जाता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में या नाम लेने में थोड़ा सा देर हो जाती है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा पहले भी बना लेते हैं, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा। और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि अब आज से उतना ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, उतना ज़्यादा आपको बोरियत नहीं लगेगी पढ़ने में, क्योंकि आज से जो पढ़ाएंगे उसमें आपको मज़ा भी आएगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी ज़्यादा मिलेंगी, है ना। और अपने आप से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप कितनी देर का वीडियो तक देख सकते हैं, तो मैं उतनी देर का वीडियो बनाऊँ। ऐसा ना हो कि मैं पूरा बनाऊँ और आप लोग कम देखें, इसलिए मुझे खुद बताइए कि आप कितनी देर का वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीर गाथा काल, वीर गाथा काल का समय क्या है? संवत 1050 से 1375, ये समय तो आपको याद रखना है, ये आप सभी जानते हैं। संवत 1050 से 1375 तक का वीर गाथा काल में आज हम शुरू करेंगे देशभाषा काव्य। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे बीसल देवराज सो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी बीसल देवरासो और पृथ्वीराज रासो को संदिग्ध मानते हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है और उसी से हमें संतोष करना पड़ेगा। इतना तो अनुमान किया जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे, जन साधारण की बोली में गीत दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। अब यहां पर सब कुछ जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी अनुमान के आधार पर कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो प्राकृत था, जो उस समय की काव्य भाषा थी, साहित्य भाषा थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा अनुमान है कि उसके अलावा जो जन साधारण की बोली भाषा थी उसमें भी गीत और दोहे प्रचलित रहे होंगे। और जाहिर सी बात है, जो लोग पंडित होंगे, विद्वान होंगे, जिनको इस प्राकृत साहित्यिक भाषा का ज्ञान होगा, वो लोग इसको गंवारू समझते होंगे। लेकिन ऐसी कविताएं राज्यसभाओं तक भी जरूर पहुंच जाती होंगी। राजा भोज जस मूसर चंद कहने वालों के सिवा देशभाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वालों वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। मतलब राजा भोज जैसे जस मूसर चंद कहने वालों के अलावा भी जो अपनी देशभाषा है उसमें भी सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी उस समय जरूर रहे होंगे। राज्यसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहों में कहे जाते थे, है ना। और वीर रस के पद्य छप्पे में, ये चीज ध्यान रखिएगा, नीति श्रृंगार वीर गाथा काल की बात हो रही है। रामचंद्र शुक्ल जी ऐसा मानते हैं कि उस समय नीति श्रृंगार आदि जो विषय थे वो प्रायः दोहे में कहे जाते होंगे, और जो वीर रस है वो किस में कहे जाते थे, छप्पे में। राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने से अधिक सुविधा था, वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी क्योंकि राजाओं के बारे में होती थी, और भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की ये परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरबदल भी बहुत कुछ होता रहा। मतलब जीविका के विचार से वो अपने उत्तराधिकारियों के पास छोड़ जाते थे, और जो उनके उत्तराधिकारी थे वो संभवतः उसमें बहुत कुछ फेरबदल भी करते रहे होंगे। इसी से रामचंद्र शुक्ल जी इस समय की सामग्री को संदिग्ध मानते हैं। इसी रक्षित परंपरा वाली सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभ काल में मिलती है, इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया, है ना। यही जो रक्षित सामग्री है जो भट्ट और चारणों ने जीविकोपार्जन के लिए
अपने उत्तराधिकारियों को भी सौंपी जिसमें कुछ फेर बदल भी होता रहा। ये ज्यादातर किस पे आधारित थी? राजाश्रित कवियों का जो पराक्रम का उल्लेख था, उनकी वीरता के उल्लेख किए जाते थे छप्पियों में, ज्यादातर यही है। इसकी अधिकता होने के कारण ही इस काल को वीर गाथा काल कहा गया। ठीक है, भारत के इतिहास में ये वह समय था जबकि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर लगातार होते रहते थे। उस समय उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार मुस्लिम्स आक्रमण करते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन, जिनकी मृत्यु हुई थी संवत 704 में, के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अनहलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी, पश्चिमी भाग की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी, और कविचारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध होता है उसका आविर्भाव भी उसी भूभाग में हुआ। अतः ये स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्त वृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। जनता की चित्त वृत्ति की छाप साहित्य पर जरूर होती है, ये रामचंद्र शुक्ल जी बता चुके हैं पहले ही, उन्होंने पहला शुरुआत ही वहीं से की थी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है क्योंकि उधर ही सारी बड़ी बड़ी राजधानियां थी और उधर ही ज्यादातर जो कवि और चारण होते थे उधर ही रहते थे और उधर की ही भाषा का प्रयोग करते थे। तो ये बहुत संभव है कि जो उसी भूभाग की जनता थी, उसी के जो मनोभाव थे, उनकी पूरी छाप उस साहित्य पर होगी। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश में से अंतर्निहित हो गई और खंड खंड होकर जो कहरवार, चौहान और चंदेल, परिहार आदि राजपूत अन्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपना प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, मतलब उस समय जो लड़ाई होती थी उसके लिए कोई जरूरी नहीं होता था, उसका कोई बड़ा कारण नहीं होता था। उस समय हर्षवर्धन के बाद में क्या हुआ कि सारी जगह जो सारा साम्राज्य था वो खंड खंड हो गया। वो गहरवार, चौहान, चंदेल, परिहार, राजपूत आदि उसमें परस्पर बढ़ गया। अब वे अपनी समृद्धि वृद्धि के लिए क्या करते थे? आपस में लड़ा करते थे, भले ही लड़ाई की कोई जरूरत हो अथवा ना हो। कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ले ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय हमारी हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। ठीक है, बाकी सारी चीजें उस समय पीछे रह गई थी क्योंकि यहाँ के राजा भी आपस में लड़ रहे थे, उधर मुस्लिम आक्रमण भी लगातार हो रहे थे। तो ये समय ही लड़ाई भिड़ाई का था, वीरता के गौरव का था, इसीलिए इस प्रकार की रचनाएं ज्यादा लिखी गई और इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने उसको वीर गाथा काल नाम दिया। महमूद गजनवी, जिसकी मृत्यु संवत 1087 में हुई थी। महमूद गजनवी के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहां से लूट मार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों, विशेषता राजपुताने पर चढ़ाइयां हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। सांभर, अजमेर के चौहान राजा दुर्लभ राजद्वितीय
मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अर्णोराज यानी आना के समय मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर पहुंची जहां अब आना सागर। अर्णोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था, इसी से उस स्थान को अपवित्र मानकर अर्णोराज ने वहां एक बड़ा तालाब बनवा दिया जिसे आना सागर, जो आना सागर कहलाया। आज भी जब हम इतिहास पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोग इतिहास पढ़ते होंगे, तो उसमें इस तरह की चीजें थोड़ा कम देखने को मिलती हैं। वहां पर तो यही ज्यादा हमने आज तक यही देखा कि हम शुरुआत में कहां पराजित हुए। खैर, अर्णोराज ने जहां पर उनका रक्त भी गिरा था वहां पर उस जगह को अपवित्र मानकर एक तालाब बनवा दिया था जिसे आना सागर कहा गया। आना के पुत्र बीसल देव, किसके? अर्णोराज यानी आना के जो पुत्र थे बीसल देव, जिनका नाम विग्रहराज चतुर्थ था, के समय वर्तमान किशनगढ़ राज्य के मुसलमानों ने की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर बीसल देव आर्यावर्त के मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली के अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीसल देव के विक्रम संपत 1220 के लेख में पाया जाता है। शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संपत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना ने नाड़ौल पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी की बुक से हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में भी बड़ी अच्छी जानकारी मिल रही है। इसी से महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे बहुत दिनों तक राजपुताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हम्मीर देव हुए, जो महाराज पृथ्वी सिंह चौहान की वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया। सारांश ये है कि पठानों के शासन काल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। पठानों के शासन काल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय अब बीत चुका था। राजदरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम भी नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि की औत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता, वही सम्मान पाता था। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा काल को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम में रहा, वैसे यहाँ पर भी था। किसी राजा की कन्या के रूप में का संवाद पाकर दलबल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाना वीरों के लिए गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा बहुत मिश्रण रहता था, पर गौड़ रूप में। प्रधान रस वीर रस ही रहा करता था।
श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहां राजनैतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहां पर भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी, है ना। कोई कारण कुछ भी रहा हो, उसको एक तरफ रख के जो साहित्य रचा जाता था उसमें ज्यादातर रूपवती स्त्री को ही कारण बता दिया जाता था। जैसे सहाबुद्दीन के यहाँ एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई, है ना। हमीर पर अरे मत चिल्लाओ, तुम लोगों की वजह से इतना एडिट करना पड़ता है हमको। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी एक ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार के काव्यों में प्रथानुकूल हमीर में अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती थी, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप और वीर गीतों यानी बैलेट्स के रूप। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रसो। ध्यान रखिएगा इस बात को, साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसलदेव रासो मिलती है। प्रबंध काव्य के रूप में मिलती है पृथ्वीराज रासो और वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक है बीसलदेव रासो। आप यहां से आप चाहें तो एक कॉपी बना लीजिएगा और ये जो भी मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ इसको लिखते जाइएगा, परीक्षाओं में आपके बहुत काम आएगा ये। मैं आप जब देंगे परीक्षाएं तब आपको इस बात का अनुभव होगा। यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है जो रचना के कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आला है जिसे गाने वाले प्रायः समस्त उत्तर भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर वीर गाथा काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया गया है जिनकी या तो प्रतियां मिलती हैं या उनका कहीं उल्लेख मात्र ही पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो ग्रंथ कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बीसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। ये शब्द बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। जो रामचंद्र शुक्ल जी रासों का अर्थ रसायन से मानते हैं, उनका कहना है कि बीसलदेव में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। किसके अर्थ में? काव्य के अर्थ में। अतः हमारी समझ में रसायन शब्द से होते होते ये रासो हो गया। बीसलदेव रासो यानी बीसलदेव रसायन, जो बाद में समय के परिवर्तन के साथ रासो हो गया और जिसका अर्थ क्या हुआ? काव्य। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ से हम कुछ प्रमुख जो ग्रंथ हैं उनके बारे में जानेंगे। खुमान रासो। संवत 810 और 1000 के बीच चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के तीन राजा हुए। कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश ये है कि कालभोज यानी बप्पा के पीछे खुमान गद्दी पर बैठे, जिनका नाम बेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय से में बगदाद के खलीफा अल मामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हुई हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए और विक्रम संवत 869 से 893 तक राज किया। कब से? 869 से 893 तक। कभी कभी आयोग अगर बहुत ज्यादा
मूड में होता है तो वो इस तरह की भी डेट पूछ सकता है। वैसे अभी तक पूछी नहीं गई, आप याद रख सकते हैं। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासों के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। पर इस समय खुमान रासो प्रतिप्राप्त होती है वह अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। कालभोज यानी बप्पा से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। कालभोज यानी बप्पा, फिर खुमान, फिर मत्ताट, फिर भरतपट सिंह खुमान दूसरे, फिर महानायक, फिर खुमान तीसरे। यानी कि तीन खुमान हो गए ना, कालभोज से लेकर खुमान जो तीसरे थे उन तक तीन खुमान हैं। कालभोज के समय विक्रम संवत 791 से 810 तक है और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भरतपट दूसरे के समय से दो शिलालेख संवत 999 और 1000 के मिले हैं। अतएव 190 वर्षों के का औसत लगाने पर इन तीन खुमानों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। यहाँ अनुमान लगाया गया है। खुमान पहला 810 से 865 विक्रम संवत के लगभग, खुमान दूसरे 870 से 900 के लगभग और तीसरे लगभग 965 से 990 तक। अब्बासीय वंश के अलमामू विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा था। इस समय के पूर्व खलीफाओं के सेनापति ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपुताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयां होने लगी थी। अतएव यदि खुमान रासों से अलमामू की सेना से लड़ाई हुई होगी तो वह दूसरा खुमान रहा होगा और उसी के नाम पर खुमान रासो की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। कब? 17वीं शताब्दी में। सिंह सिंह सरोज के कथनानुसार एक अज्ञात नामा ने खुमान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का, है ना। ये तो बात थी खुमान रासो की। अब बात करते हैं बीसल देव रासो की। ज्यादातर जैसे खुमान रासो के ज्यादातर आपसे समय या कवि पूछे जाते हैं और कभी कभी इनको क्रम से लगाने के लिए भी दिया जाता है। तो आप ये देखिए वीर गाथा काल में हमारी शुरुआत खुमान रासो से हो रही है। बात करते हैं बीसल देव रासो की। नरपति नाल कवि विक्रय राज चतुर्थ उपनाम बीसल देव के समकालीन था। कौन? नरपत नाल कवि विग्रहराज चतुर्थ जिनका उपनाम बीसल देव था उनके समकालीन था, कदाचित वह राजकवि था। इसने बीसल देव रासो नाम का एक छोटा सा ग्रंथ जो 100 पृष्ठों का था लिखा था जो वीर गीत के रूप में है। ग्रंथ में निर्माण काल यों दिया है और ये जो निर्माण काल की जो ये पंक्तियां दी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ भई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी रसायन शब्द आया है, याद आ रहा है आपको? रामचंद्र शुक्ल जी ने अभी पीछे बताया था कि रसायन काव्य के अर्थ में था जो बाद में परिवर्तित होकर रासो हो गया। और ये पंक्तियां याद रखिएगा, ये बीसल देव रासो की है। कवि कौन है? नरपति नाल। जितना मैं बता रही हूँ अगर आप इतना नोट कर लेंगे या याद रख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर से आपको परेशान होना पड़ेगा। लेकिन एक बार कहानी की तरफ पूरी सुन लेने पे
आपको चीजें बहुत आसानी से याद रहेंगी। 72 से 72 का स्पष्ट अर्थ 1212 है। एक बार पीजीटी में ये पूछा जा चुका प्रश्न है, 12 से 72 का मतलब किस सन की ओर इंडिकेट का किया गया है, तो ये 1212 है। 12 से 72 का मतलब 1212। 72 शब्द बहोत्तर या द्वादशोत्तर का रूपांतर है, अतः 12 से 72 का अर्थ द्वादशोत्तर 12 से अर्थात 1212 होगा। गणना करने पर 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी बुधवार को ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है, जिससे वह बीसल काल का बीसल देव का समकालीन जान पड़ता है, है ना। वर्तमान काल का प्रयोग करने का मतलब यह है कि वह बीसल देव का समकालीन था। विक्रराज चतुर्थ मतलब बीसल देव का समय 1220 के ही आसपास का है। उसके शिलालेख भी संबत 1210 और 1220 के प्राप्त हैं। बीसल देवरासों के 4 खंड हैं, याद रखिएगा बीसल देवरासों के 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में प्राप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूं है, कथा का सार ध्यान रखिएगा, पढ़कर वैसे ये चीजें याद रहती हैं। खंड एक, मालवा के भोज पर मार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होना, है ना। पहले खंड में मालवा के भोज परमार की जो पुत्री राजमती थी उनका सांभर के बीसल देव से विवाह होना। दूसरे खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना, वहां 1 वर्ष तक रहना। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, इसकी जो नायिका है वो राजमती है, नायक है वो बीसल देव है। बीसल देव राजमती से रूट कर कहाँ जाते हैं, उड़ीसा। कहाँ जाते हैं, उड़ीसा, ध्यान रखिएगा आ चुका है पेपर में। और वहां पर 1 वर्ष तक रहते हैं, ठीक है। राजमती का विरह वर्णन तथा बीसल देव का उड़ीसा से लौटना, भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना, ये 4 खंडों में सारांश दिया गया है। दिए हुए संबत के विचार करने से कभी अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाओं पर विचार करें तो बीसल देव के बहुत पीछे लिखी जान पड़ती हैं, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। ये घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णात्मक है, है ना। इसमें दो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो काव्य है ये घटनात्मक नहीं है, वर्णात्मक है, पूछा जा सकता है। इसमें दो ही घटनाएं हैं, पहली तो बीसल देव का विवाह और दूसरा उनका उड़ीसा जाना। इसमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है, बीसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार भोज का देहांत हो चुका था। सोचिए बीसल देव के 100 वर्ष पहले जब धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो गया था, तो उनकी पुत्री से विवाह की बात कल्पना प्रसूत ही सिद्ध होती है। अतः उनकी कन्या के साथ, हाँ कन्या के साथ बीसल देव के विवाह के पीछे किसी कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था, बीसल देव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से प्रसिद्ध अवश्य चली आती है, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इस बात को लेकर पुस्तक में जो भोज नाम रखा हुआ जान पड़ता है, मतलब हो सकता है इसी वजह से पुस्तक में भोज नाम रख दिया गया हो, अथवा यह हो सकता है कि किसी धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो। यह भी संभावना है कि वहां पे भोज नाम का कोई राजा ना हो, उनकी उपाधि भोज हो, क्योंकि पहले इसी तरह की उपाधियां भी चलती थी। उस आधार पर कवि ने उसका नाम, उसका यह केवल उपाधि सूचक ही नाम लिया हो, असली नाम ना दिया हो। कदाचित इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बीसल देव का विवाह हुआ होगा। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं, उन वाक्यों को ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे ना मिलाया गया, मतलब
हो सकता है कि जो राजा भोज का नाम उसमें जुड़ा है वो बाद में प्रक्षेपित किया गया हो, बाद में मिला दिया गया हो, जैसे जन्मी गौरी तू जैसलमेर, गोरड़ी जैसलमेर की। आबू के परमार भी राजपुताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इस प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ अचरज कवि कालिदास, है ना। जैसा पहले कह आए हैं कि अजमेर के राजा भीसल देव यानी विग्रहराज चतुर्थ बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयां चढ़ी की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश भी इन्हें अपने राज्य में मिलाए थे। इनकी वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह राज नाटक जो संस्कृत में है मिलता है। इस तो को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है और राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नाल के इस बीसलदेव में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा के ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, ना उसके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूट कर विदेश जाने का यानी प्रेषित पथिका के वर्णन के लिए जैसा वर्णन किया जाता है वैसा ही मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बीसलदेव जैसे वीर का रासो कहना खटकता है, है ना। इसमें तो उनकी जो वास्तविक शौर्य या पराक्रम चढ़ाइयों का कुछ वर्णन ही नहीं है। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए रचा गया था, तब बहुत कुछ समाधान हो जाता है। बीसलदेव रासो किस लिए रचा गया था? गाने के लिए रचा गया था, है ना। भाषा की परीक्षा करके ये देखते हैं कि तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। जैसे सूखई छे यानी सूखता है, पाटन थी पाटन से, भोज तणा यानी भोज का, खंड खंडरा यानी खंड खंड का, इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो राजस्थानी के। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थानी में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी जो पिंगल भाषा कहलाती थी, है ना। जो साहित्य की जो जन सामान्य भाषा थी वो हिंदी ही थी और उसको क्या कहते थे? पिंगल भाषा। बीसलदेव रासो में बीच बीच में बराबर साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न भी दिखाई देता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने पर पहले ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि गाने की चीज़ होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है। अतः लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। मतलब ये लिखित रूप में रक्षित थी तो इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेलावी मिलाकर जोड़कर, चितह चिता में, रणि रण में, प्रापिजयी प्राप्त हुआ या किया जाए, प्राप्त हो या किया जाए, इणी विधि इस विधि, एसम ऐसा, बाल हो बाला का, इसी प्रकार नयर यानी नगर, पासम यानी प्रसाद, पयोधर यानी पयोधर आदि प्राकृत शब्द भी हैं। इनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक होता रहा। ये थी बीसलदेव की भाषा की बात। जो मेन चीज़ आपको यहाँ ये याद रखनी है कि ये भाषा साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है, है ना। और ये एक गीत था, गीत रूप में रचित था। इसमें आए कुछ फारसी अरबी तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजा, तजानो यानी तजियाना आदि। जैसा कहा जा चुका है कि पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी। कवि के समय से पहले से ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वह इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। बीसलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं, है ना।
महल पणायो ताज दीन खुरसाणी चढ़े चल्यो गौण। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार ये पुस्तक ना तो वस्तु विचार से और ना ही भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। राय बहादुर पंडित गौरीनाथ हीराचंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। पूछा जा सकता है कि किसने इसे हमीर के समय की रचना कहा है? राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, ठीक है। ये कहाँ से इन्होंने संदर्भ लिया है? राजपुताने का इतिहास की भूमिका से पृष्ठ 19। यह नरपति नाल की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसे हम जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की पहली बात यह है कि राजपुताने के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे मोती का आखा किया, चंदन काट को मार वो, सोना की चोरी, मोती की मार इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा की भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी, है ना। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज और मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर, किसका किसका? प्रादेशिक बोली, ब्रज और मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा को भी स्वीकृति मिल चुकी थी उस समय तक, है ना, जिसे क्या कहते थे? पिंगल भाषा। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाया। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का योग जो बना वो डिंगल कहलाया, और जो ब्रज भाषा का योग बना वो पिंगल कहलाया। ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार करते हैं, है ना। दूसरी बात ये कि जो साहित्य से संबंध रखती हैं, वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। बीसलदेव रासो की बात हो रही है। बीसल देवरासो के कुछ पद्य देखिए। परणवा चल्यो बीसल राय, चौरस्या सहु लिया बुलाए, जान तणी साजत करऊं, जिरह रंगावली पर पहरज्यों टोप, हुआऊं पैरास्यों बीसल राव, अवि सयल अंतेवरी राव, रूप अपूरब पेसी इति अत्रि नहीं संयल संसार, अतिरंग स्वामी सु मिली राती बेटी जा भोजराज की। अब इसमें कई शब्दों में टाइपिंग में भी थोड़ी वो हो गई है, और भी है। गर्व करी उभो छाई सांभर रेओ राव, मो सरीखा नहीं उर भुवाल, माँ घरण सांभर उग गई ही चुह दिस थान जैसलमेर, गरीबों न बोलो संहारे और राव, सो सरीखा घणाओ भुबार, एक उड़ीसा को धाणी वचन हमारे तू मानी जुमानी, ज्यो थारई सांभर उग गई राजा उड़ी गई उग गई हीरा खान। कुवर कही सुन संभरिया राव, काई स्वामी तू उल गई जाए, कहे हमारे जय स्वभाव सुनऊ, थरे छाई साठी अंतेवरी नारी, कड़वा बोल न बोलिस नारी, तू मोह मेलहसी चित्त बिसारी, जीव न जीव वियो विगोयनो, दब का दधा कुपल मेहल मेल है, जीव का दधा नु पंगु रई, नाल करई सुन जई सब कोई, अव्यो राजा मास बसंत, गढ़ माही गुड़ी उछाली। जन धान मिलती अंग संभार, मान भंग हो तो बाल हो, इणी परिहरता चार राजद्वारी। वैसे मुझे जहाँ तक है कि इन पंक्तियों में रानी को समझाया जा रहा है कि जो राजा थे उनसे उनको कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि वो रूठ कर चले जाते हैं। इसी
आशय में ये पंक्तियाँ लिखी गई थी। भाषा क्योंकि हमारी चलती भाषा नहीं है इसलिए उनके उच्चारण में थोड़ी सी कठिनाई होती है। आगे चंद्र बरदाई जी के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया आप बताइएगा तो मैं कल से छोटा वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन बीच में नहीं छोड़ा जा सकता था एक काव्य को, इसलिए मैंने उसको आज पूरा कर दिया है ना। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।